हाय गाइस, तो आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज गाइस मैं ट्रेन के डिब्बे में वेल्डिंग मारने का काम करूंगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। आप लोगों को पता होगा कि वेल्डिंग करना कितना ख़तरनाक है। तो गाइस मैं आप लोगों को मशीन लेके आया हूँ, वेल्डिंग मशीन। और ये जो साइड पिलर बोलते हैं इसको, इससे ट्रेन के डिब्बे में पानी भरा जाता है। यही पानी फिर ऊपर जाके हम लोग को उपयोग में आता है। ये वही साइड पिलर हैं जिससे पानी भरा जाता है। तो बहुत छोटा सा कार आज मुझे मिला है और इस काम को मैं बहुत ही मेहनत से करूँगा और बहुत ही ईमानदारी निष्ठा से करूँगा, क्योंकि रेलवे का काम है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो गाइड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप लोग देखिए। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और ये मेरे हाथ से कुछ हार्डवेयर हैं जो कि छिटक कर बाहर निकल गए हैं। तो मैं जो है कि पूरे हार्डवेयर को कलेक्ट करके रखता हूँ। रेलवे के अधिनियम के द्वारा कोई भी सामान को फेंका नहीं जाएगा, इसलिए गाइज मेरे साथ में एक वर्कर है जो कि मशीन का तार लगाने के लिए देखिए साइड में काम कर रहे हूँ। जैसे ही वो मशीन का तार लगा देगा तो मैं आपको सॉफ्ट वेल्डिंग मार के दिखाऊँगा। वेल्डिंग का काम इतना ख़तरनाक होता है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसका लाइट बहुत ख़तरनाक होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें क्लिंप लगाता हूँ जिससे ये इधर उधर हिले ना और ये सालों साल चलता रहे। तो मैं क्लिंप लगाने का कार्य शुरू कर दिया हूँ और देखिए क्लिंप लगाना कैसे होता है और कैसे इसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने के बाद में इसमें फिर पानी भरा जाता है जिससे पानी की आगे की पूरी व्यवस्था होती है और इससे हम लोग लोटा साबुन नल लैट्रिन बाथरूम में पानी यूज करते हैं। देखिए मैंने हैंडल लिया, टी हैंडल है, मैंने इससे इसको टाइट कर दिया है। जब पूरा टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद में तब मैं वेल्डिंग का काम शुरू करूँगा। हाय गाइस, तो आप लोगों को पता होगा काम तो रेलवे का है, इस वजह से थोड़ी भाई प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें क्वालिटियाँ होती हैं और क्वालिटी में पास करवाना होता है। इसलिए आप इसको नॉर्मल बिल्डिंग मत समझिए, कोई भी आके बिल्डिंग मार दिया चला गया ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा टाइट करूँगा। इसे इतना ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि ये हिले डुले ना और रास्ते में कहीं खुले ना, गिरे ना, इस वजह से। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, जो मेरी मशीन है बिल्डिंग मशीन, मैंने इसका पावर 130 के आसपास में रखा है, क्योंकि 130 में मेरी जो हाई क्वालिटी की मशीन है ये 130 एम्पियर में चलती है, बहुत अच्छा इसका निकलता है इससे। तो गाइस मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। मैं इसमें पेंट लगा हुआ है, थोड़ा सा इसका पेंट छुड़ा दूँगा। पेंट छुड़ाने के बाद में वेल्डिंग मारूंगा। तो गाइज सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग ट्रेन के संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखिए। मैंने चश्मा लगाया है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का चश्मा होता है जिससे आंखों में रोशनी नहीं लगे। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया है गाइज। देखिए मैंने पहले मुझे दो टांके में ऐसे ही मारने हैं, जैसे ही वो सेटिंग पर आ जाएगा फिर मैं चश्मा लगा के मारूँगा। उतना मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं बिना चश्मे के भी वेल्डिंग कर सकता हूं, लेकिन आप लोग मत करिएगा ऐसा, ये ख़तरनाक होता है, मेरी आदत पड़ी है इस वजह से। देखिए वेल्डिंग काम स्टार्ट हो गया, जैसे कितना ख़तरनाक चिंगारी। अभी देखिए मैंने चश्मा लगा लिया है, चश्मा लगा के फिर आराम से बैठ के वेल्डिंग मारूँगा और उसके बाद में वेल्डिंग पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। बिल्डिंग होने के बाद में फिर मैं इसे हाथ से हिला के देखूँगा। देखिए गाइस उसी 130 के आसपास में हमारा एम्पियर है मशीन का। देख कितना अच्छा रोड जल रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। मेरे काम को देखिए, मेरे मेहनत को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। गाइस मेरे वीडियो को ना सपोर्ट कीजिए, जो मैं मेहनत करता हूँ उसको लाइक कीजिए और रेलवे को बढ़ावा दीजिए। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि रेलवे के किसी भी वस्तु को
फालतू में छेड़खानी ना करें, उसे तोड़ने की कोशिश, उसे चुराने की कोशिश ना करें। रेलवे आपको सुविधा देता है, आपको यात्रा करवाता है, इस वजह से आप रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी ना करें, ऐसा मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। रेलवे बहुत सारा पैसा खर्चा करती है आप लोगों की सिर्फ ट्रैवल करने के लिए, कि आप लोगों की यात्रा अच्छी हो, ट्रेन में एसी हो, उसमें हाई क्वालिटी के नल हो, पानी